सड़क पर नारे लगा रहे ये हरदोई की आश्रम पद्धति विद्यालय के वो बच्चे हैं जो आज आपको चेंजिंग इंडिया की असलियत से रूबरू करवाएंगे। इन बच्चों की इस पैदल यात्रा की वजह जब आपको पता लगेगी तो आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। दरअसल इनका ये आक्रोश स्कूल प्रशासन के खिलाफ है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में सुविधाओं की कमी है। इनके स्कूल में ना तो पंखा चलता है और ना ही ढंग से सफाई होती है। इन्हीं कमियों की वजह से आज ये 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए डीएम ऑफिस पहुंचे। यहाँ इन बच्चों की डीएम के साथ बैठक हुई। डीएम के सामने इन बच्चों ने स्कूल की सारी कमियां रखी। इन बच्चों का ये भी आरोप है कि रास्ते में उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। बच्चों की जैसी शिकायत रही, इसमें सफाई को लेके एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि ये शौचालयों में और परिसर में सफाई समय से नहीं होती है। पता करा गया कि 5 सफाई कर्मी रखे गए हैं, पर अगर बच्चे एक मत से ये कह रहे हैं कि पूरे परिसर में सफाई नहीं है तो इसलिए संविदा पे सफाई कर्मी थे। इन 5 सफाई कर्मियों को निलंबित करा गया है और नए सफाई कर्मी रखे जाएंगे इस चेतावनी के साथ कि यदि उनको सफाई के काम के लिए रखा जा रहा है तो परिसर साफ दिखना चाहिए और बच्चों की तरफ से सामूहिक रूप से इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार एक अध्यापक जो कि संविदा पे थे उनके लिए भी यही शिकायत आई कि उनका ध्यान आधिकारिक कामों में ज़्यादा रहता है और पढ़ाई के काम में नहीं रहता है, वो भी संविदा पे थे, तो उनके खिलाफ भी नोटिस देते हुए कार्रवाई करी। बच्चों ने ये भी आरोप लगाया कि जब वो उससे मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे थे, पैदल आ रहे थे वो, तो पुलिस द्वारा उनको रोकने समय है लाठीचार्ज करा गया है। तो बच्चों को ये बताया भी गया और इसकी जाँच भी कराई जाएगी और आने वाले 3 दिनों के अंदर इसकी जाँच कराई जाएगी कि क्या सच में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की कार्रवाई करी गई है या नहीं। आए दिन यूपी के स्कूलों की कोई ना कोई खबर सुर्खियों में आती रहती है। कभी किसी स्कूल में बच्चों को नमक रोटी खिला दी जाती है तो कभी स्कूल प्रशासन की सुस्त व्यवस्था की वजह से बच्चों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है। चेंजिंग इंडिया की ऐसी तस्वीरें बच्चों के भविष्य पर ये सवाल उठा रही हैं कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया।